choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to Empire. तो इस सीरीज के दौरान आपने एक फंटास्टिक फोर का एपिसोड देखा होगा। इस वीडियो के अंदर वही कहानी आगे बढ़ाई जाएगी जो फंटास्टिक फोर की टीम स्पेस के एक मिशन से वापस घर की तरफ आ रही थी। तब अलायंस और कुटाटी के बीच एक वार छिड़ जाती है। फंटास्टिक फोर के जो बड़े बड़े मेंबर्स थे वो तो स्पेस में रह गए, जबकि फ्रैंकलिन और वलेरिया को जोविन और निकाला का ध्यान रखने के लिए अर्थ की तरफ भेज दिया जाता है। उनके नीचे आने की खबर डार्क हार्वेस्ट के पास पहुंची। डार्क हार्वेस्ट वो कोटाटी हैं जो कि सालों से अर्थ पे रहते आ रहे थे। मदद के लिए वलेरिया एक हेल्प सिग्नल भेजती है जिसका जवाब वुल्वरिन और स्पाइडरमैन ने दिया, लेकिन इनकी हेल्प मिलने के बावजूद भी डार्क हार्वेस्ट जोविन को किडनैप करके ले गए न्यूयॉर्क शहर। एक कोटाटी कह रहा है, हम इस पूरे प्लेनेट पे फैल चुके हैं, अब ये हमारा प्लेनेट है। जो कोई भी जानवर हमारा विरोध करेगा उसे मार दिया जाएगा और उसकी मरी हुई बॉडी से एक नई लाइफ की शुरुआत होगी। गैस वही अलायंस के सोल्जर्स भी इनसे लड़ रहे होते हैं। तभी कुछ कुटाटी ने इंसानों को घेर लिया तो इंसान अलायंस से मदद मांगने लगे, लेकिन अलायंस के सोल्जर्स इंसानों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तब ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे फंटास्टिक फोर की टीम पहुँच चुकी है। एक कुटाटी बोलता है, लेकिन मुझे तो ये फंटास्टिक फोर की तरह नहीं दिखाई दे रहे। तो लोगों ने कहा, किसे फर्क पड़ता है कि तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें गाजर मूली की तरह काट डालूंगा। वलेरिया कहती है, तुम लोग कुटाटी को बिजी रखो, हम आगे देख कर आते हैं। फ्रैंकलिन ने कहा, और हाँ किसी को मारना मत, हम फंटास्टिक फोर में ऐसा नहीं करते। जिस पे स्पाइडरमैन ने कहा, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, मैं तो बस थुप थुप करता हूँ जबकि लोगन तो स्निक्ट स्निक्ट करता है। तो लोगन कहता है, हे मैं अपने काम में बेस्ट हूँ, लेकिन दिक्कत है कि मुझे यही काम करना आता है। स्पाइडरमैन ने कहा, तुम इनसे बात करके क्यों नहीं देखते, मैंने सुना है कि हमारी बात सुन लेते हैं। हे कैसे हो तुम लोग। तो कुटाटी बोलता है, तुम मारे जाओगे। वहीं वलेरिया को सोल्जर से पूछती है, हम यहाँ एक करीब बच्चे को ढूंढ रहे हैं, हम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्या तुमने इसे आसपास कहीं देखा है। तो सोल्जर मना कर देता है। फिर फ्रैंकलिन उनसे डार्क हार्वेस्ट के वॉरियर्स के बारे में पूछता है। तो एक स्क्रल ने इशारा करते हुए बताया, हाँ कुछ देर पहले उन्हें वहाँ पे लड़ते हुए देखा था। तो गाइस फंटास्टिक फोर की टीम पहुँचती है अल्केमैक्स के बिल्डिंग के पास, जहाँ स्पाइडरमैन कह रहे हैं, वाओ देखो तो इसकी तरफ, मैं जगह जानता हूँ। इससे पहले कि अल्केमैक्स ने इस बिल्डिंग को खरीद लिया था, ये जगह पार्कर इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग हुआ करती। फ्रैंकलिन पूछते हैं, आखिर डार्क हार्वेस्ट यहाँ पे क्या करने आया होगा। लोगों ने कहा, अब ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा, लेकिन एक गार्ड उनका रास्ता रोकते हैं। तुम लोग कुछ देर पहले आते तो अच्छा रहता, जब वो प्लांट निंजास हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। ये बच्चे सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं, अगर तुम हमें ये बता सको कि वो लोग यहाँ से क्या लेकर गए हैं तो हम ये जान पाएंगे कि वो इस चीज से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि हम इस चीज को तुम्हारे लिए वापस भी लेकर आ जाएं। स्पाइडरमैन कह रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त पीटर पार्कर, कुछ टाइम पहले बिल्डिंग हमारी थी, बिलियन डॉलर कंपनी, बस एक रात में सब चले गए रात से, यकीन नहीं हो रहा ना। लोगों ने कहा, हाँ तुम्हें देखकर तो सब कुछ यकीन हो जाता है, तुम तो किसी भी कंपनी को लुटवा दोगे। स्पाइडरमैन कहते हैं, हाँ एक टाइम भी बैक्स्टर बिल्डिंग भी हमारी ही हुआ करती, लेकिन वो भी आज से चली गई। गाइस लोगों को लगता है कि हम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिस पे फ्रैंकलिन ने कहा, देखो मेरी बहन को कुछ सेकंड्स दो, इसका दिमाग काफी तेज चलता है, वो देखो ये कुछ ही सेकंड्स में हमें बताने वाली है कि वो बुरे लोग यहाँ पे क्या करने आए थे, वो लोग जो को कहाँ पर लेकर गए हैं और वो आखिर करना क्या चाहते हैं। वलेरिया कहती है, वो लोग एक न्यूट्रॉनिक वेव फ्रंट इंड्यूसर को क्यों चुराएंगे, ये या फिर वो एक चीज बनाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ समझ गई। उधर पास के एक टेंपल में डार्क हार्वेस्ट की टीम मौजूद है। द फॉरेस्ट बाकी सबसे कह रहा है, काम हो चुका है मेरे भाइयों, ओमनीवेव प्रोजेक्टर बनकर तैयार हो चुका है, अब सेलेस्टियल मसीहा हमसे खुश होगा। तभी कोई ने पानी के थ्रू उनसे बात की, हम खुश है मास्टर फॉरेस्ट, तुम और तुम्हारे डार्क हार्वेस्ट ने हमारी अच्छी सेवा की है, क्या डिवाइस तैयार है। फॉरेस्ट कहता है, हाँ लॉर्ड कोई, हम इसे एक बार के लिए आपको चलाकर भी दिखा सकते हैं। इस बच्चे के दिमाग में क्रिस क्रल का पूरा इतिहास भरा हुआ है, जिसे हम हर एक क्री वॉरियर के अंदर डाल सकते हैं, इससे आपके दुश्मन एक दूसरे को मार डालेंगे। कोई कहता है, बहुत अच्छा, जब टाइम आएगा तुम्हें इनाम दिया जाएगा, जब इस प्लैनेट के बाकी सारे जानवर मारे जाएंगे तब तुम्हारा हमारे स्वर्ग में स्वागत किया जाएगा, तुम कुटाटी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे। ये सुनकर फॉरेस्ट बहुत खुश हुआ और उसने टेस्ट शुरू करने का ऑर्डर दिया। वो अपनी पावर्स का यूज करता है, अपने दिमाग को मेरे लिए खोल दे बच्चे, अपनी प्रजाति के गुस्से का कारण मुझे बता। हाँ तो ये रहा, स्क्रल्स ने तुम्हारे पुरखों को जबरदस्ती उठा लिया था, उन्हें जबरदस्ती कोटाटे के साथ कंपटीशन करने के लिए मजबूर किया,
और जब स्क्रल्स ने कोटाटी को विजेता घोषित कर दिया था तब तुम लोगों ने तुम्हारे कंप्यूटर्स कोटाटी को मार डाला और फिर स्क्रल्स को मार डाला। इससे तुम लोगों को वो साइंस और हथियार मिले जिससे तुम स्क्रल्स से बदला ले सको। फिर तुमने एक वॉर की शुरुआत की जिसका कोई अंत नहीं था। सही है बच्चे, उन सभी लोगों को ये बात दिखाओ। तो गाइज ये सब बातें क्री सोल्जर्स के दिमाग में घुसने लगी। वो लोग स्क्रल्स के खिलाफ लड़ने लगते हैं। वहीं फंटास्टिक फोर के घर के अंदर बेहोश नकाला जोर से चिल्लाई। उसके पास बैठी हुई अंधी अलीशिया बोली, नकाला क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ, प्लीज मुझसे बात करो। तभी स्काई खड़ी होती है। वो अलीशिया से बोलती है, शांत हो जाओ अलीशिया, वो ठीक हो जाएगी। मैं इसे चिल्लाने की वजह से उठ गई, लेकिन चिंता मत करो, मैं रीडिंग से देख पा रही हूँ कि वो ठीक है। तुम सच में उसकी चिंता करती हो ना? अलीशिया कहती है, उसे मेरी जरूरत है और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा नकाला के साथ कुछ जुड़ाव है, कोई कनेक्शन है। स्काई बोलती है, मैंने भी इस बारे में सुना था, उसने तुम्हें कुछ सीक्रेट बताया था ना, वो क्या था? लेकिन अलीशिया ने कहा, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तो नकालाम जो कि अलीशिया का रूप बनाकर उसी की आवाज में बोल रही थी, उसने कहा, ये तो काफी अच्छी बात है, मैं दूसरों की मदद करने के लिए जा रही हूँ, मुझे पता है कि उन्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी। लेकिन गाइस जब नकाला वहां से निकल जाती है तब अलीशिया को स्काई की कराहने की आवाज सुनाई देती है और इससे अलीशिया समझ गई थी कि उसे बेवकूफ बनाया गया। नकाला वहां से भाग चुकी है। वहीं वलेरिया वाली टीम छत पे बैठी हुई है। वलेरिया एक डिवाइस का यूज करते हुए कह रही है, जो चीज डार्क हार्वेस्ट ने चुराई है मैं कह सकती हूँ कि वो एक टाइप के ट्रांसमीटर बना रहे होंगे जो कि पूरी गैलेक्सी में सिग्नल भेज सकता है। मैं अभी कुछ ऐसी चीज के ऊपर काम कर रही थी लेकिन मेरे भाई ने इसे खराब कर दिया। हो सकता है कि इस चीज का यूज करके हम उसके सिग्नल को ट्रैक कर पाए। स्पाइडरमैन तुम तो टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से जानते होगे ना, तुम मदद क्यों नहीं कर रहे? स्पाइडरमैन कहता है, मैं बस तुम्हारे पूछने का ही वेट कर रहा था। जबकि लोगन फ्रैंकलिन को समझा रहे हैं, अपने आप को दोष देना बंद करो रिचर्ड्स, इससे वो बच्चा वापस नहीं आ जाएगा। फ्रैंकलिन कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। लोगन ने कहा, फोकस करो, अगली बार के लिए तैयार रहो, तब तुम उन लोगों को दिखा देना कि तुम एक ओमेगा क्लास म्यूटेंट हो। लेकिन फ्रैंकलिन कहता है, तुम तो बात कुछ समझ ही नहीं रहे, हाल फिलहाल एक वॉर चल रही है, पूरा यूनिवर्स दांव पे लगा हुआ है, मेरी फैमिली बेस में फंसी हुई है, मुझे वहाँ पे होना चाहिए था जहाँ पे मेरी असली जरूरत है, जबकि मैं यहाँ पे दो बच्चों की देखभाल कर रहा हूँ और वो भी ठीक से नहीं कर पा रहा। तभी फ्रैंकलिन को अलीशिया का मैसेज मिलता है, वो नकाला भाग चुकी है, वो कह रहे थे कि वो तुम्हारी मदद करने आ रही है और मुझे लगता है कि वो अब भी घायल है। तभी वलेरिया जो कि उस मशीन पे काम करके हटी ही है, उसने कहा, बाहर एक सिग्नल घूम रहा है, मुझे लगता है कि क्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सिग्नल बहुत कम है, मैं उसे सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पाई। तो स्पाइडरमैन बोलता है, अरे इसमें मेरी गलती है, अगर उन लोगों ने मेरा स्पाइडर ट्रैकर नहीं तोड़ा होता तो मुझे पता चल जाता कि वो लोग जोविन को कहां पर लेकर गए हैं। तभी वुल्वरिन को कुछ स्मेल मिलती है, वो स्क्रल लड़की, वो हमारी तरफ आ रही थी, मुझे लगता है कि वो जोविन से किसी तरीके से जुड़ी हुई होगी और शायद अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तभी लोगों को वहां पे खून पड़ा हुआ मिला जो कि नकाला का था, इसे लोगों को उसकी सेंट मिल जाती है। उधर तो फॉरेस्ट कह रहे हैं, चलो हमारा टेस्ट तो कामयाब रहा, अब जब प्रोजेक्टर पूरी पावर पे आ चुका है अब हम हर एक क्री के अंदर वो नफरत भर देंगे। ओक कहता है, मुझे लगता है कि हमें आधी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा होता अगर हमारे पास वो स्क्रल बच्चा भी होता। फ्रेश ने कहा, तुम इस मूवमेंट को खराब क्यों कर रहे हो? हमारे पास एक क्री बच्चा है, अब क्या मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पास वो स्क्रल बच्चा भी होना चाहिए था? हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन नहीं ये तो क्या करें। तभी फ्रेश देखता है कि उसका एक साथी ओमनीवे प्रोजेक्टर को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझ गया कि ये कौन है। वो ब्लडेड लीफ की तरफ इशारा करता है, लीफ ने उस शीशे के ऊपर हमला किया तो उन्हें पता चला कि ये तो नकाला है। वो नकाला को चैम्बर के अंदर डालते हुए बोलते हैं, मैं एक प्रीस्ट ऑफ पामा हूँ बच्ची, मार्शल आर्ट्स का मास्टर, अगर मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक करते टाइम अपनी पावर को कम नहीं किया होता तो तुम अब तक मर चुकी होती, ये तो शुक्र मनाओ कि हम तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। फ्रेश बोलते हैं, सेलेस्टियल मशिया को ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, सारे इशारे हमारी तरफ हैं, हमारे काम खुद ब खुद होते जा रहे हैं, इसे चैम्बर के अंदर डाल दो। नकाला बोलती है, अगर मैं घायल नहीं होती ना तो तुम लोग मुझे छू भी नहीं पाते, ये सब उस चाकू वाले म्यूटेंट की वजह से हुआ है। जोविन ने कहा, नकाला तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? जब तुम घायल थी तब मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, मुझे यहाँ बचाने क्यों आ रही हो? नकाला ने कहा, मुझे कोशिश करनी थी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी जिंदगी तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए बनी है और अगर तुम डिस्ट्रॉय हो जाते हो तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। वहीं फॉरेस्ट खुश हो रहा है क्योंकि अब उनके पास दोनों बच्चे आ चुके हैं, अब क्री और स्क्रल्स दोनों के अंदर नफरत फैल रही है। लेकिन तभी वहाँ फंटास्टिक फोर की टीम पहुंचती है। हे बाब, हम चारों मानते हैं कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं,
मैंने तुमसे कहा था कि मैंने इसकी स्मेल पकड़ ली है। फ्रैंकलिन पूछते हैं, अब हमें क्या करना है स्पाइडी? स्पाइडी कहते हैं, तुम्हें पता ही है, थोड़े लात गुस्से हाथ पैर चलाने हैं, सभी लोग अपना अपना पार्टनर पकड़ लें। लोगन माइटी ओक से लड़ रहा है, ये चलने वाला पेड़ पिछली बार काफी हिम्मत दिखा रहा था, अब मैं तुम्हारा सलाद बना दूंगा। जबकि स्पाइडरमैन भी एक दूसरे दुश्मन से लड़ रहा है, वो इसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और बोलता है, देखो मैं कंप्लेन तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी कॉस्ट्यूम बिल्कुल नई है, तुम इसके ऊपर धब्बे लगा रहे हो। गाइस आप लोगों ने बात पहले भी सुन रखी होगी एम्पायर के फिनाले एपिसोड के अंदर। वो आगे बोलते हैं, वैलेरिया फ्रैंकलिन देखो यार इसका तो काम हो गया, तुम में से किसी को मदद चाहिए? वैलेरिया कहती है, तुम हमारी चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। फ्रैंकलिन ने कहा, अभी के लिए इतना मैटर करता है कि तुम जाकर जोविन और निकाला को संभालो या फिर उस ओमनीवेव प्रोजेक्टर को रोको। जिसमें फ्रेश ने कहा, तुम लोग बहुत लेट हो चुके हो, डार्क हार्वेस्ट अपना मिशन कंप्लीट कर चुका है, अलायंस के हर एक सोल्जर के अंदर नफरत फैल रही है, इसके सिग्नल पूरी गैलेक्सी में फैल चुके हैं। वही स्पाइडरमैन अपनी ही बात मार रहा है, अच्छा अच्छा अब मैं समझ गया, ये सोल्जर्स के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। तो गाइस हर जगह क्रियो स्कल्स एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। वकांडा के अंदर कोई कह रहा है, बहुत अच्छा चलो ये प्रीस्ट ऑफ पामा किसी काम तो आए, अब हमारे दुश्मन एक दूसरे के साथ लड़ मरेंगे। इस वेव का असर क्रिस कर्ल अलायंस की कमांड शिप के अंदर भी होता है। वहीं फॉरेस्ट अपनी टेलीपैथी से ये चीज फील कर पा रहा है। अब उसे लगता है कि सेलेस्टियल मशिया बहुत खुश हो जाएगा, वो इन्हें कुछ इनाम देगा। तो लोगन ने अपने क्लोज निकाले और उसे लड़ते हुए कहा, इसे बंद करो डैम इट। फॉरेस्ट कहता है, इसे रोका नहीं जा सकता, ओमनीवेव प्रोजेक्टर इन बच्चों की मेमोरीज को पूरे अलायंस के अंदर डाल देगा। वैलेरिया ने कहा, तब तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो लोग इन्हें अपनी अच्छी यादें याद करने के लिए बोलते हैं, इससे होता ये है कि क्रियो स्कल्स एक दूसरे से लड़ना बंद कर देते हैं। हालांकि ओमनीवेव प्रोजेक्टर अब भी चल रहा है, लेकिन लड़ने के बजाय इनकी बॉन्डिंग और बढ़ जाती है, वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने लगते हैं। ये सब देखकर कोई चिल्लाता है, हार्वेस्टर्स ये तुमने क्या कर दिया, इन्हें तो एक दूसरे से लड़ मरना चाहिए था, लेकिन इनकी दोस्ती तो और गहरी होती जा रही है। फॉरेस्ट कहते हैं, लॉर्ड कोई ये बच्चे, अब मैं क्या ही कहूँ, हमें माफ कर दें। कोई ने कहा, मैं समझ चुका हूँ प्रिस्ट, तुम भी तो एक जानवर ही हो और जानवर गलतियां करते हैं, लेकिन चिंता मत करो तुम्हें मेरा तोहफा मिलेगा, तुम कोटाटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहोगे। तो गाइस कोई इनके अंदर की प्लांट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें पेड़ों में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि डार्क हार्वेस्ट के जितने भी लोग थे वो सब के सब पेड़ बन चुके थे। फ्रैंकलिन बोलते हैं, ये जो कोई है ये हमारे साथ तो ऐसा नहीं कर सकता ना, कहीं हम भी तो पेड़ नहीं बन जाएंगे। वैलेरिया कहती है, कम ऑन अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करो, इन लोगों के अंदर पहले से ही प्लांट पावर्स थी, हमें कुछ नहीं होगा। तो स्पाइडरमैन जोविन को बाहर निकालता है। वहीं लोगन अपने क्लोज को निकालते हुए निकाला के पास पहुंचा। निकाला ने कहा, आराम से मैं फिर से घायल नहीं होना चाहती। लोगन कहता है, चिंता मत करो लड़की, मैं इस बार तुम्हें नहीं मारूंगा। निकाला ने कहा, ये कोई मजाक की बात है क्या? लोगन कहते हैं, हाँ ठीक है, आज के बाद अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं एक टाइम के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मेरे ऊपर तुम्हारा कर्ज है। लेकिन निकाला कहती है कि हम दोनों के ऊपर इन दोनों बच्चों का कर्ज है। लेकिन गाय जो फ्रैंकलिन है वो अब भी अपने आप को कोस रहा है। जोविन कहते हैं, तुम्हारी फैमिली ने हमें प्रोविटर से तो बचा लिया, लेकिन आज तुम लोगों ने हमें खुद से बचाया है। स्पाइडरमैन सभी को खुश होने के लिए बोलता है, जबकि फ्रैंकलिन कहता है, वैसे लड़ाई अब भी चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अपना काम तो कर ही दिया। वैलेरिया ने पूछा, तो अब तुम बच्चों को क्या करना है? जोविन कहते हैं, मैं वहां जाना चाहूंगा जहां पे फ्रैंकलिन पहले कह रहा था। निकाला ने कहा, हाँ हमें डिज्नी ले चलो। गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए, उम्मीद आप करवा देंगे। अभी इसके दो एपिसोड और बचे हुए हैं, तो कहीं मत जाइएगा।